पापा आप मम्मी को कैसे उठाएंगे? ना ना इलायची, तेरे पापा ना उठा पाएंगे। अरे तेरे पापा तो वो एक गिलास पानी की जगह अगर लोटे में पानी दे दो ना तो भी उनके कमर में मचक आ जाती है, ये ना उठा पाएंगे। लानत है यार तुम्हारी जिंदगी में। वे बात है कम कर, अगर मैं से उठाऊंगा तो फिर मुझे कौन उठाएगा? हम उठाएंगे और कौन उठाएगा तुम्हें यार। बेटा अगर तू मुझे उठाएगा तो इससे अच्छा अपनी बहन को उठा ले, चल आ जा। अरे चुप रहो, अभी उठा के दिखाता हूँ। अरे तू उठा, अच्छी बात है, मैं कब मना कर रहा हूँ भैया? फालतू की बातें कर रहे, इधर तू इधर, मैं कब मना कर रहा हूँ? खड़ी हो जी, उठाने वाली बात है यार, बड़े बड़े अच्छों को उठा लिया हमने, बातें कर रहे हैं। हम मर गया भैया, मुझे लग रहा है मेरी कमर का परमानेंट इलाज हो गया, उठाई नहीं जा रही है मुझसे। मेरे तो बहुत ही फूट गए। अबे तो इतना चिल्ला क्यों रहा है, कमर टूटी है यार, ठीक हो जाएगा। अरे जी जा, मेरी कमर की हड्डी टूटी है, कोई चाय में बिस्कुट ना टूटा, कैसी बातें कर रहे हैं, उठाई ना जा रहे हैं कतई। जी जी ना 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 भाई, इनके बस की ना है। अरे ये तो खुद ही उठ गए, अब भाभी जी को कौन उठाएगा? तो हमारी बेबे हमें चने गुड़ और घी के लड्डू बना के दिया करती थी, और कसरत का शौक तो हमें हमेशा से ही रहा है, तो बस अब आजकल ये 150 kg भी रुई जैसा लगता है। अरे मौसा, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, मतलब जानकारी के लिए। हाँ, कि करू को घर का ही कोई सदस्य उठाए तो ठीक है, या बाहर वाला भी उठा सकता है कोई? ना 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 सेठ जी, ऐसा कुछ ना है। अरे जिसमें दम होगा वो उठा लेगा जी, मैं कह रहा हूँ गारंटी से। हाँ अच्छा, मतलब बाहर वाला भी? हाँ हाँ हाँ, बहुत सर्दी है। ओहो, चप्पल में सावल लगा है। हेलो हेलो सेठ जी, कौन बोल रहा है? अरे मैं आपका होने वाला दामाद बोल रहा हूँ, जरा इलायची से बात करा दो। अबे मेरी बच्ची का नाम लेने से पहले ना जरा सोच ले, वरना मुंह में जो है जलता हुआ कोयला घुसाड़ दूंगा, बता रहा हूँ मैं। अच्छा है जी, मुंह की सिकाई हो जाएगी, अब जल्दी करो भाई, इलायची से बात करा दो, जल्दी करो, मेरा बिल जो है ना उड़ रहा है, आशिक आवारा किसी का इंतजार ना करता, ले जाएंगे ले जाएंगे। अबे किसे उठा के ले जाएगा है? बात कर रहा है बेकार की। अबे इलायची को उठा के ले जाएंगे। अबे सुन पापा, फोन रुको 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 रुको, पापा फोन रखो, पापा मुझे आपको बड़ी जरूरी बात बतानी है। हाँ पापा, कौन सी बात बता रही है, बताना। पापा एक लड़का है, वो ना मुझे बहुत दिनों से छेड़ रहा है, पता है कभी कभी तो फोन करके मुझे तंग भी करता है, और आज तो हद ही हो गई, उसने पता है क्या करा, मैं उस दिन स्कूल से आ रही थी तो उसने ना मुझे रोक लिया, बोला 14 तारीख को क्या कर रही है, अगर मेरे साथ घूमने नहीं चलेगी तो मैं तुझे उठा के ले जाऊंगा। पापा मैं तो इतना डर गई थी, पता है कितना अजीब सा लड़का, और नाम तो और भी अजीब है। क्या नाम है? आशिक आवारा। अच्छा तुझे छेड़ दिया था? अरे थोड़ी देर पहले फोन पे मुझे भी छेड़ दिया था, मेरा मतलब मुझे धमकी दे रहा था। क्या आपको भी उठाने की धमकी दे रहा था? अरे मुझे उठा के कहाँ ले जाएगा, तुझे उठाने की धमकी दे रहा था। ओह माय गॉड पापा, मुझे बड़ा ही डर लग रहा है, मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको मेरी सेफ्टी के लिए एक बॉडीगार्ड रख देना चाहिए, मतलब कोई ऐसा बॉडीगार्ड जो बहुत स्ट्रांग हो, आसपास रहता हो, और जैसे ही फोन करे ना मतलब तुरंत से भाग के आ जाए, ऐसा वाला बॉडीगार्ड। पापा कुत्ता रख लेते हैं, सस्ता भी रहेगा और अच्छा भी रहेगा। पापा कुत्ते की बात नहीं कर रही, मैं इंसान की बात कर रही हूँ। क्या हो रहा है, कौन किसका बॉडीगार्ड बन रही है, पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे पिंकी जी बताओ, आपके रहते जो है आपकी बच्ची इलायची को एक गुंडा जो है छेड़ दिया है। क्या बात कर रही हैं आप सेठ जी, किसकी हिम्मत हो रखी है जो इलायची को छेड़ दे, अरे इलायची तो अपना केस खुद ही सॉल्व कर लेती है। अच्छा चांदी चौक में अगर हर आदमी अपने केस खुद सॉल्व करने लगे तो आप किस लिए हो? कच्छे धोने के लिए है।
साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि वो गुंडा आपके हत्थे चढ़ गए ना तो आप कपड़े की तरह धो डालोगे। हाँ बिल्कुल सही कह रही है तू मंगीलाल, बिल्कुल सही कह रहा है सेठ जी। देखिए आप चिंता मत कीजिए, पिंकी जी के रहते ही इलायची को कोई छेड़ नहीं सकता। अरे 14 तारीख को इलायची को उठाने की धमकी दे रहा था फोन पे। अच्छा मतलब आप टेंशन मत लो सेठ जी, पिंकी जी है ना, पिंकी जी देखो इलायची तुम चिंता मत करो, पिंकी जी तुम्हारे साथ रहेंगे 14 तारीख को पूरा दिन। पिंकी अंकल आपके पास तो और भी बड़े बड़े केस होंगे ना निपटाने के लिए, तो आप मेरी फिक्र मत करो, मैं ना जीजा जी को ले जाऊंगी। क्यों पापा? ना 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 ना, ना। 14 तारीख को तेरे साथ जो है दरोगा जी रहेंगे, बस मैं बता रहा हूँ। अरे वो टंटन तो जो है समझ रही है, उसकी ताकत किसी दूसरे काम में काम आएगी। अरे मुझसे ज्यादा जरूरी और कौन सा काम हो सकता है? अरे करू को गोद में उठाने काम आएगा वो 14 तारीख को। जीजा जी, जीजा जी, मुझे कुछ बताना है आपको। इलायची जी रिलैक्स, सांस लीजिए, हमें सब पता है। आपको कैसे पता है? अरे हमें सब पता है, आपने सुबह सुबह सेठ जी के गले से 200 रुपए निकाले थे, आप यही बताने आई है ना? अरे वो तो पापा को कब का बता चुकी हूँ मैं। तो फिर ओ हम समझ गए, आप हमसे वैलेंटाइन डे के प्लान के बारे में बात करने आई है ना। इलायची जी हमने भी बहुत सारी चीजें सोच के रखी है, हम पता है क्या करेंगे, सुबह सुबह उठेंगे और आपको गोदी में उठाएंगे और आपको छत की तरफ लेके जाएंगे और गरम गरम चाय की चुस्कियों को एंजॉय करेंगे। क्या कहती हैं आप, कैसा लगा हमारा प्लान? बहुत अच्छा है ना। उठाएंगे तो जरूर, लेकिन मुझे नहीं मम्मी को। ये क्या बोल रही हैं आप इलायची जी, हमें ना यही बात नहीं पसंद आपके बारे में, ऐसे मजाक हमें बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अरे यार मजाक हमारे साथ होने वाला है, पापा ने कुछ और सेटिंग करके रखी है। अरे क्या हो गया इलायची जी, क्यों डरा रही हैं आप, खुल के बताइए ना। खुलने वाले तो आप हैं, एक एक हड्डी सेपरेट हो जाएगी। सुनो रखो से, रखो ध्यान से सुनो, छोटे ने ना मतलब छोटे के मौसा ने ना पापा के दिमाग में ना कुछ भी उल जुलूल भर दिया है। अब 14th यानी कि वैलेंटाइंस डे को एक आदमी को मम्मी को गोदी में उठा के 1001 स्टेप्स चलने हैं और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि क्या। अरे इलायची जी आप भी ना ऐसी बुद्धू वाली बातें करती हैं आप, आप भी ऐसी बातें मान जाती हैं। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ ऐसा ही है। अरे नहीं इलायची जी। हाँ अरे मजाक होगा। अरे यही है। क्या बात कर रही हैं आप? हाँ सेठ जी खुद कह रहे थे। हाँ अरे पर सेठ जी हमसे ऐसा क्यों करवाएंगे, हम कैसे आंटी जी को उठा सकते हैं यार। अरे यार जो आदमी 150 किलो ऐसे उठा सकता है तो वो 100 किलो की मम्मी को तुम आराम से उठा लेगा ना, सिंपल यही सोचा होगा उन्होंने। यार पर हम कोई बाहुबली थोड़ी ना है। इलायची संजू, इलायची संजू, इलायची। तू क्या कर रही है यहाँ? वो मैं 500 का छुट्टा लेने आई थी। अच्छा हमेशा छुट्टा लेने आती है, कभी बंधा हुआ भी ले आया कर, पढ़ाई कर ले। सेठ जी प्रणाम। हाँ हाँ खुश है, बहुत सारी शक्ति आए तेरे अंदर। अच्छा सुन मुझे तुझसे एक छोटा सा काम था। छोटा सा? हाँ हाँ छोटा ही है, हल्का फुल्का। सुन 14 तारीख को तुझे अपनी आंटी को गोदी में उठाना है, वो मौसा जी है ना उन्होंने कहा है ऐसा करने के लिए। उससे क्या होगा, करू थोड़ी सी पतली हो जाएगी। पर सेठ जी हम कैसे आंटी जी को उठाएंगे, मतलब उनको पतला करने के चक्कर में कहीं हम ही खुद ही गायब हो गए तो कैसे करेंगे, मतलब कैसी 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 फिकर कर रहा है तू, कैसी फिकर कर रहा है, तेरे अंदर तो फौलाद जैसी शक्ति है। अरे तुझे आंटी तो एकदम पतझड़ के पत्ते की तरह लगेगी। नहीं नहीं सेठ जी, अरे अगर तुझे काम करना तो कर, और काम ना करना है तो इस दुकान पे भी काम ना करेगा तू, चल। सेठ जी एक बारी हमारी बात तो सुन लीजिए ना, एक बारी ना, एक बारी ना, एक बारी करेगा ना करेगा। जी सेठ जी चल ठीक है, और मैं चाय पी के आ रही हूँ, बहुत बढ़िया, ये रही खुशी की बात। चले लाइ जी, लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अरे कोई टंटा ना हो रखा है, चल आजा 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 चला। अरे यार मैं आ रही हूँ। आजा। अरे यार यार हम आंटी जी को कैसे उठा लेंगे यार। अरे छोटे हैं? अरे बताऊं आज अच्छी सी यार मालिश कर दे, सच बता रहा हूँ एकदम सिर जो है भन्ना रहा है मेरा बहुत बुरी तरह से। आज मैं ऐसी मालिश करूंगा सेठ जी तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा, लेकिन मालिश होगी थोड़ी देर में, मालिश बाद में,
पहले तुम एक काम करो, अपनी ये जो कचंटी जैसी आंखें उनको बंद करो। क्यों को बंद करूं? ना मतलब आंखें बंद करूं मतलब क्या, तुझे कुछ शर्म आ रही है? क्या करने वाला है ऐसा, क्या करने वाला है जो शर्म आ रहा है तू इतना? मैं तुम्हें कुछ देना चाह रही हूँ, वो शर्म क्यों आएगी? अरे यार ले अब खुश। अब खोलो। अबे छोटे ये क्या है? खोल के देखो। अरे रखो तुम ऐसे। अब देखो। अच्छा देखो जो लाया है तू है। क्या लाया भैया? खोल के देखो, खोल के। जी सुन। ये आधे पान वाली टी शर्ट क्यों लेके आ गया? ये पान दिख रहा है? ये दिल ना दिख रहा है तुम्हें? खोलो उसको, खोलो पहले, पहले मेरे सामने खोलो। सेठ जी ये पान ना है, ये दिल है। आधा दिल तुम पहनोगे, आधा दिल मैं पहनूंगा, दो दिल मिलके मतलब ऐसे एक दिल हो जाएंगे, गाना चलेगा दो दिल मिल रही है। लेकिन एक बात, तू ऐसी टी शर्ट लाया क्यों ये बता? अरे दो दिल जुड़ रहे हैं, दो भाई की बातें, आपसी प्रेम है, दुनिया से क्या दिल, दुनिया की इतनी चिंता क्यों है? तुम एक काम करो, पहले पहन के दिखाओ। इतनी मोहब्बत से लेके आया हूँ मैं, बहस नहीं चाहिए मुझे, बहस नहीं, खड़े हो ऐसे, खड़े हो पहले ऐसे। ये देखो आप लग रहे हैं ना जुड़े हुए दिल, बिल्कुल डबरू जबरू लग रहे हो। अरे सुन मुझे तो कुछ और ही मामला लग रहा है यार। सुन तुझे वो फूल कांटे वाली टी शर्ट ना मिली क्या? अरे फूल कांटे का क्या आचार रखोगे, ये कितनी बढ़िया लग रही है। और इलायची कैसी है? अबे भाग। जीजाजी छत पर हैं? जी इलायची जी, जीजाजी फिलहाल छत पर हैं, लेकिन थोड़ी देर में ना आपको एम्बुलेंस में जाते हुए नजर आएंगे। ऐसे क्यों बातें कर रहे हैं आप? ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आपको पता नहीं है? और इलायची जी आपको कहां से गलत फहमी हो गई है ये कि आंटी जी जो है फूल से ज्यादा हल्की और फुल्की है? आपने आंटी जी का साइज देखा है? हिमालय पर्वत से बड़ी है वो, हम नहीं उठा सकते उन्हें। इज्जत से बात कीजिए मेरी मम्मी के बारे में, मम्मी है मेरी, और उठाएंगे तो गिरा मत दीजिएगा उन्हें। गिरा मत दीजिएगा इलायची जी? अगर हमने उन्हें उठाया हम 10 सेकंड से ऊपर उन्हें नहीं उठा पाएंगे, रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी हमारी। एक तो हमें इतना गुस्सा आ रहा है ना उस मौसा जी पे जो इतने अंट शंट गंदे गंदे आइडिया सेठ जी को दे रहे हैं, रद्दी आइडिया एकदम। 1000 एक स्टेप उठाओ और पतले हो जाओ। ठीक है ना, मैं भी जानती हूँ कि अगर आप मम्मी को गोदी में उठाएंगे तो इससे वो पतली नहीं हो जाएंगी, लेकिन पापा के दिमाग में ये बात अटक गई, अब मैं क्या कर सकती हूँ? क्यों नहीं कुछ कर सकती हैं? अगर सेठ जी के दिमाग में ये बात अटक गई है तो अब हम क्या करें, जान दे दें इलायची जी? जीजा जी ऐसे बोल के ना मुझे डराइए मत, मैं कोई आइडिया सोच रही हूँ ना। जीजा जी आइडिया, एक आइडिया है मेरे पास। जैसे कि आपने ताकतवर होने का नाटक किया था पापा के सामने, जिससे उन्हें लगा कि आप मम्मी को उठा सकते हो, तो वैसे ही आप अगर कमजोर होने का नाटक करें पापा के सामने, तो क्या पता वो मना करते आपको मम्मी को उठाने के लिए। मतलब ये कि आपको पापा के सामने एकदम घायल शेर की तरह मतलब गिर जाना है, आपको ऐसे दिखाना है कि आप मतलब आशिक हो और आशिक की तरह मतलब चक्कर खाने उनके सामने, और उसके बाद ऐसे रिएक्ट करना जैसे कि पिंटू भाभी ने मतलब आप कैसे कभी खाना खत्म कर जाती है हर बार हर दिन। और अगर हम ऐसा करेंगे तो सेठ जी अपने आप मना कर देंगे ना कि तू मेरी बीवी को मत उठा। बहुत बढ़िया, हाँ बच गए। बिल्कुल ऐसा ही होगा, और उसके बाद आप और मैं वैलेंटाइन डे साथ में मनाएंगे। इलायची जी हमें आप पे गर्व है, आप ये आइडियाज कहाँ से लाती हैं? इलायची जी वैसे हमने ये बात नोटिस की है कि खाई से आप हमेशा हमें निकाल लेती हैं। लेकिन धकेलने वाली भी आप ही होती हैं। धकेलूं फिर से? नहीं सॉरी, सुनिए ना, आइए ना, मेरी बात तो सुनिए। अच्छा आओ बैठते हैं। यार कहाँ रह गई सुनीता जी, कसम से ना भौंक भौंक कुत्ता बन गए, कुत्ते से पिल्ला बन गए। हाय
सुनीता जी, अरे सुनीता यार देखो, मैंने कितनी बार बताया आपको, कितनी बार समझाया कि अपने पापा को समझा लो यार, मेरे पीछे पड़ गए हाथ धो के। कसम से ना एकदम ऐसे पीछे पड़े जैसे मधुमक्खी जो है शहद के छत्ते में घुसती है। घुसे ही जा रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है बात को। अब जिद पे अड़े कि हमारे साथ वैलेंटाइन डे मनाएंगे। अब नहीं, अब बताओ हम आपके साथ मनाए या उनके साथ मनाए, हमारे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है यार। पिंटू जी चिल, पिंटू जी चिल करने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। पापा आप? पापा? सुनो तो तू यहाँ क्या कर रही है? हैं? जाके दूध गरम कर बेटा। पापा पर ना सुबह दूध गरम करते करते जल गया। अच्छा तो कोई बात नहीं बेटा, पड़ोस वाली मिश्राइन है ना, उससे ले लो, उसके पास बहुत सारा दूध है। ओके ओके पापा, बाय पिंटू भाभी। बाय बाय सुनीता जी, बाय बाय। आप कहाँ चली पिंटू जी? जहन्नुम चली, चलोगे? क्या बात कर रही है? देखिए सोनपाल जी, मेरे घर पे बहुत सारा काम है अभी, क्या ना मुझको खाना बनाना, रोटियां सेकनी है। ओह पिंटू जी, आपकी अंगुलियां ना खाना बनाते बनाते मुरझा गई होंगी, कहो तो थोड़ा मलम मल दूं? आपको ना मलम लगाने की जरूरत ना है, क्या ना हमारे घर पे हमारा पति है बहुत लंबा तगड़ा, वो लगा देगा मलम, ठीक है? आप परेशान मत हो। अच्छा अच्छा अच्छा, छोड़िए, देखिए मतलब कोई गलत मतलब मत निकालिएगा, वैलेंटाइन डे आ रहा है तो मैंने सोचा आपके लिए कुछ गिफ्ट लेता चलूं। ये सेंट। सेंट? क्यों, मुझे में बदबू आती? अरे नहीं नहीं पिंटू जी, आपकी खुशबू ना मुझे मदहोश कर देती है, पर मतलब वैलेंटाइन डे वाले दिन ना आप ये सेंट लगा के चलेंगी तो आप और ज्यादा बहकेंगी। वैसे वैलेंटाइन डे वाले दिन ना हम दोपहर में चलेंगे और शाम तक वापस आ जाएंगे। शाम तक? इतनी देर क्यों? देखिए पिंटू जी, सबसे पहले आप वैलेंटाइन डे का केक काटेंगी और उसके बाद मैं अपनी लिखी हुई कविताएं आपको सुनाऊंगा, और उसके बाद ना मतलब आप मुझे मतलब आपका मूड बना तो आप मेरे साथ मूड बना तो आप मेरे साथ क्या 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 आपके साथ क्या क्या आपके साथ? अरे मेरे साथ मतलब डांस करेंगी हैं? मतलब दोस्ती में डांस तो कर ही सकते हैं ना, सुनो की मम्मी ना मेरे साथ खूब डांस किया करती थी, आप भी कर लेंगा। देखिए मतलब कुल मिला के ना 2-4 घंटे का प्रोग्राम है, कैसा लगा मेरा प्लान? एकदम घटिया। क्या? देखिए प्लान घटिया नहीं है, प्लान बहुत अच्छा है, लेकिन क्या है ना कि मेरे पास टाइम की बहुत कमी हो रखी है। अब भैया देखो क्या है ना कि औरतों को घरेलू काम होते ना तो हमें खाना भी बनाना है, बर्तन भी साफ करने, झाड़ू पोछा भी करना है, और गुग्गू के लिए जाएंगे ना दुकान बैठने तो उनको बहुत सारे काम हो रखे तो। पिंटू जी, पिंटू जी, पिंटू जी प्लीज प्लीज देखिए नाम मत कीजिएगा, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है, ना सुनता हूँ ना तो मेरे अंदर का जानवर जाग उठता है और पता नहीं मैं क्या क्या कर बैठता हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। और सुनो की माँ होती ना तो आपको बताती कि मैं गुस्से में क्या क्या कर बैठता हूँ पिंटू जी। काश वो होती है। देखिए मैं ये कह रही थी कि ना नहीं कर रही हूँ, ना वाली बात नहीं, दरअसल बात ये है कि आप समझते हैं मतलब औरतों को ना घर में बहुत सारे काम होते हैं, अब गुग्गू के लिए खाना भी बनाना है, फिर बर्तन भी साफ करने हैं, झाड़ू पोछा भी करना, लेकिन कोई बात नहीं आप इतना कह रहे हैं तो हम करेंगे कुछ ऊपर नीचे, टाइम का एडजस्टमेंट करेंगे, है ना, काम धंधा इधर उधर सरका के, और हम कोशिश करते हैं आपके साथ चलने की। और जो सेंट लाए ना आप हमारे लिए, इसके लिए थैंक यू। पिंटू जी आपको कितनी बार समझाऊं, भाई दोस्ती में ना नो सॉरी नो थैंक यू। अच्छा हुआ चला गया, मुझे लगा ऊं करके ऊपर ही गिर पड़ेगा। अबे ये खाता क्या यार? चलती हो गया, अभी भी फ्री हूँ 9 से 12। अच्छा 9 से 12 चले? चलो चले एक और बता करूं, 14 तारीख आते ही तेरा वजन जैसे ही आधा होगा तू क्या करेगी? सबसे पहले मैंने सबसे पहले आधा किलो बेसन के लड्डू खाऊंगी। पापा ये गलत बात है,
जीजा जी आखिर कैसे मम्मी को उठा पाएंगे? अच्छा तू स्टंटन की जो है बड़ी वकील बनी फिर रही है। पापा पंचम। हाँ भाई सुन एक बार बता, जब मिसेस पंचम को कोई दिक्कत ना है तो तुझे क्यों दिक्कत हो रही है? अब तुझे तो अपनी माँ के लिए खुश होना चाहिए। ए यार पापा देखो कोई और भी तो तरीका हो सकता ना जिससे मम्मी का वजन कम हो जाए। पता नहीं हम मौसा जी की बातों में क्यों आ गए, और अगर जीजा जी को हो गया कुछ मम्मी को उठाते वक्त तो आपकी दुकान पे तो असर पड़ेगा, आपके काम पर कितना असर पड़ेगा? क्या हो गया अजय? अरे तेरी, अबे ओए हाय, अरे ओए हाय, अबे अबे बर्तन, तू बर्तनों में क्यों गिर गया अबे?